अमृतसर एयरपोर्ट रोड अचकजई कॉलोनी में गैस सिलेंडर के बाइस धमाका, धमाके में तीन अफराद जहां बहक, दो जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जहां बहक होने वालों में खातून और दो बच्चे शामिल। धमाके के बाद घर में आग भड़क उठी, फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान का धमाके में अमवात पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। फैसाबाद के इलाके गट्टी में भी गैस सिलेंडर फट गया, दो घरों की छतें गिर गईं, आठ अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर है। नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हुसूल का मिशन। IMF वफ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा, 14 से 18 मार्च तक मौशी टीम के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन वजारत खजाना, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक और FPI समेत दीगर हुकाम से बातचीत करेगा। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत मुतवक्के है। आलमी मालियाती फंड्स पर हुकूमत का तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर खजाना औरंगजेब की सदारत में वजारत खजाना में इजलास में मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। गैर मुल्की मौशी जरीदे ने मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना के लिए मौजू करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा, मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती नेक शगुन है, वो दरपेश चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। IMF से मुज़ाकरात में उनका कलीदी किरदार होगा। मैगजीन के मुताबिक नए वजीर खजाना रियल इस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं, निजकारी में SIFC की मुआवनत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दो निकाती एजेंडा जेर बहस आएगा। हुकूमती अरकान और इत्तेहादी MNAs अपने तकारीर में वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अडियाला जेल में कैद बानी PGI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर एहतजाज करेगी। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अडियाला जेल आने से रोक दिया। KP हुकूमत को खतरसार लिखा, सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मंसूख कर दें। पंजाब हुकूमत ने बानी PGI से मुलाकात के लिए 2 हफ्ते की पाबंदी लगा रखी है। अटक, अडियाला, DJ खान, मियावाली जेलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और रेंजर्स जेलों में क्लियरेंस ऑपरेशन करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।